हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट 15 मिनट का मैं लेके आऊंगा। क्या यार जोगिंदर भाई, जोगिंदर भाई ने अगले दिन ऐसा डिस्ट्रैक्ट निकाला कि मुझे मजबूर होकर अपने बर्थडे के दिन वीडियो बनाना पड़ रहा है। भाई देवी पता है ना अभी क्या करना है? कमेंट सेक्शन में एमवे बंटा ने 8 मिनट का केयर निकाला, उस पर कृष्णा ने 6 मिनट का मचेंगे 4 निकाला, उस पर एमवे ने 10 मिनट का मचेंगे 4 निकाला। फिर जोगिंदर भाई ने सोचा जितना बड़ा गाना होगा उतनी ज्यादा हाइप मिलेगी, तो बिना सोचे जोगिंदर भाई ने कर दिया अनाउंस कि भाई अपना डिस्ट्रैक्ट आने वाला है 15 मिनट का। चलो मेरी ये वीडियो 15 मिनट की नहीं है, पर जोगिंदर भाई का डिस्ट्रैक्ट आने वाला था 15 मिनट का। और फिर बोलते हैं कि 21 जुलाई को सुनामी का डिस्ट्रैक्ट आएगा, और सुनामी का स्पेलिंग था भाई जोगिंदर बताएगा। और 21 जून को डिस्ट्रैक्ट के नाम पे पोस्ट क्या किया? मोशन पोस्टर, वो भी 34 सेकंड्स का। और फिर बोलते हैं कि 26 तारीख को डिस्ट्रैक्ट आएगा, और फिर 26 तारीख को 4 बजे आता है जोगिंदर भाई का डिस्ट्रैक्ट। बाकी 11 मिनट किसने ट्रिम कर दिए? जोगिंदर भाई। जोगिंदर के पिछले गानों से सबको तो एक्सपीरियंस होगा कि भाई ये रैप के नाम पे बस चिल्लाएगा, बातें करेगा, बातों के पीछे बीट लगा देगा और डिस्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इस बार देखो जोगिंदर भाई ने हगने के नाम पे क्या सुनामी मचाई है। हाँ सुनामी। सर भी आज अपने YouTube में लाइव आए थे, तो नियॉन मैन थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात किए ओवर। तो गाने के 3 सेकंड में जोगिंदर भाई ने नियॉन मैन को फीचर कर दिया, पर भाई जितना नियॉन मैन ने जोगिंदर को फीचर किया ना, जोगिंदर ने उसने कांड किया तो नियॉन मैन को भी मजबूर होना पड़ा। नियॉन मैन ने देखो जितना फीचर किया है ना, जोगिंदर भाई उसका 7 जन्म में चुकता नहीं कर पाएगा। लेट्स सी आगे क्या आता है। भाई जोगिंदर हमारी इंडस्ट्री बदल देगा। रफ्तार ने लाइव में जोगिंदर के बारे में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के लिए बात की थी, और उसका जोगिंदर भाई ने डिस्ट्रैक्ट से रिप्लाई करते। हाँ जोगिंदर भाई से यही उम्मीद रहती है। कैरी ने भी अपनी स्ट्रीम में ऐसा ही किया था, बस 5 सेकंड के लिए एक बार थारा भाई जोगिंदर ऐसे ऐसे कर दिया था, और फिर जोगिंदर भाई ने बोला नहीं अभी तो कैरी को मिल करके छोड़ेंगे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। कृष्णा और एमवे के डिस में जो पापा पापा बोलता था वो बच्चा थोड़ा सा बच्चे जैसा लग रहा था, पर ये कौन सा नशेड़ी बच्चे है? अच्छा जोगिंदर भाई का बच्चा है, सॉरी सॉरी। जोगिंदर भाई इस बार दादा बने, वेरी नाइस। मैं बाहर क्या चला गया घूमने? बाहर कहाँ भाई, दीपक कलाल के साथ कश्मीर में। मेरा नाम है जोगिंदर। सॉरी इससे ऑफेंड मत होना। यहाँ पर बच्चे लोग लड़ने लगे। बच्चे तो है ना भाई, एमवे कृष्णा बच्चे तो है ना, पता नहीं 15-20 साल से मेहनत कर रहे हैं वो कुछ नहीं। जोगिंदर भाई तो बस पिछले साल में ही आ गए। अगर असली रैपर होते तो तुम गाने में गालियां नहीं देते। अच्छा भाई ठीक है, सही है। ये जो कॉम्प्लीमेंट जोगिंदर ने दी है बस जोगिंदर भाई के यूनिवर्स में अप्लाई होता है। डिस्ट्रैक्ट में गाली तो होती है, एंड दैट्स अ फैक्ट। फॉरेन के सुन लो, यूएस के सुन लो, जेजी और नैस का जब बीफ हुआ था उसमें सुन लो, गाली चलती है भाई। गाना शुरू हो के 1 मिनट भी नहीं हुआ जोगिंदर भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो भी बीट में कैसा, मुड़ने लगाऊ मैं, हंसने लगाऊ मैं भी इस बीट में बना दूं, मैं हगने लगाऊ मैं, मुड़ने लगाऊ मैं, पादने लगाऊ मैं, आने लगाऊ मैं, जाने लगाऊ भाई, मैं भी डिस्ट्रैक्ट बना दूंगा भाई। ये वीडियो बनाने में मुझे जितनी मेहनत लग रही है ना भाई, उससे कम मुझे ना ये डिस्ट्रैक्ट बनाने में लगेगी। चलो एक पॉइंट लेते हैं, गानों के बीच में माँ बहन को ला रहे थे जोगिंदर भाई ने, बस 2 शब्द कुछ काम के बोले हैं। एक मुद्दे वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, आप आगे सुनो। टिकटॉक खत्म हुआ पर टिकटॉकर की टिकटॉक वाली हरकतें खत्म नहीं हुई, पहले ऐसे ऐसे करते थे, अभी बस जोगिंदर भाई ने थोड़ा सा अपग्रेड ला दिया है और भाड़े की भी बंदूक ला के साउंड इफेक्ट ला के। जिनके नाम पे ये व्यूज लेने आए हैं, जिनको क्लाउड करने आए हैं, उनको ही बोल रहा है तुमको मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। भूख लगी है तो धूल चटा दूंगा, डिस करना पड़ा मुझे होके मजबूर। ओके भाई मजबूरी, इस हिसाब से तो मुझे भी मजबूर होना पड़ा जोगिंदर भाई पे वीडियो बनाने के लिए, नहीं किसने कहा मैं व्यूज लेने आया हूँ। नहीं भाई हम बस YouTube के सर्वर्स भरने आए हैं। यो हिमांशु थारा भाई मांशु तो बीडी का मंडल पी जाएगा, कट कर देना प्लीज। फेम दे दो भाई, बंटा या कृष्णा को फेम दे दो, उनको सच्ची में बहुत जरूरत है। सबसे कम फेम की जरूरत फिलहाल जोगिंदर भाई को है, कितने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही है ना जोगिंदर भाई के। कैरी को मिल किया, ट्रिगर को मिल किया, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिल किया, फिर उनके साथ कोलैब किया, सब पता चल रहा है स्कैम किया। दादा दादा एमवे बंटा और कृष्णा तो भाग गए। कहां? दुबई भाग गए क्या जोगिंदर भाई से डर के? ओके ये क्या चल रहा है। हाँ पोते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं 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 यार,
जोगिंदर भाई को मुश्किल से एक ब्रांड मिला, वो भी पता नहीं ब्रांड कौन सा नशे करके बैठा था। वो ब्रांड भी बस कुछ जॉब से रिलेटेड ब्रांड है जिसने जोगिंदर के साथ इंटीग्रेशन किया है। पर जोगिंदर भाई पिछले 3 गानों से एक की ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड को ये नहीं समझ रहे जोगिंदर भाई की ऑडियंस ही बेरोजगार है, उनके ऊपर तुम ये वाला ये दे रहे हो, कौन जाएगा भाई। प्लीज जोगिंदर भाई मुझे एक सेकंड में डॉलर की करंट वैल्यू बता दो इंडियन रुपीज में, बस मान जाऊंगा यार प्लीज। ये गाना है भाई उल्टा तो फिर सुलझा दूंगा, इस नहीं मैं तो फिर फिल्म बना दूंगा। शुरुआत हुई मेरी आउट ऑफ बीट से, शुरुआत हुई थी तेरी छाती पीट के, ऐसे करके हंसने लगे थे लोग मेरे पीछे पीट पे। पीठ पीछे कोई नहीं हंस रहा था, सब सामने से हंस रहे थे। रफ्तार भी सामने से लाइव में ही आके हंसा क्योंकि तेरी हरकतें ही वैसी है। कर दिया मुंह को बंद मैंने सबके, आज मेरा रैप सुनो और रिपीट पे। सिंपति ले लो भैया, दम तोड़ देती एक माँ की ममता, जब उसे पता चलता है मेरे बच्चे दूसरे की माँ बहन को गाली दे रहे हैं। तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या घर के अंदर? और एक रिलेटेड बात लगी मुझे जोगिंदर भाई के डिस में, पर एक मिनट, एमवी ने भी तो सेम ही बोला था ना अपने स्टाइल में, कॉपी क्यों कर रहे हो यार? सुधर जाओ जोगिंदर भैया। घाई घाई में जितना पता है मुझे भी वीडियो बनाने की घाई, पता है थोड़ा अपने लाइनअप से बाहर आया हूँ, जहाँ पे मैं शूट करता हूँ सो कॉल्ड स्टूडियो वहाँ से भी थोड़ा बाहर था, बस पीछे एक दीवार ढूंढ दी और बस रिकॉर्डिंग करना शुरू। जोगिंदर भाई को भी डिस्ट्रैक्ट बनाने की गई थी, मुझे भी उस पर रोष बनाने की गई थी क्योंकि सबको पता है ये हगने वाला है। अरे जोगिंदर भाई ये देखो रफ्तार ने आपके बारे में पूरे 3 सेकंड बात किया, बारे में पूरे 3 सेकंड बात किया रफ्तार ने। चलो भाई डिस्ट्रैक्ट बना देते हैं, एक काम करना, चिल्लाना तो मेरा टैलेंट ही है, बाकी तुम किसी फ्लॉप हॉलीवुड गाने की बीट चोरा लेना, डिस्ट्रैक्ट बन जाएगा। तब तक मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर देता हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट खराब भाई जोगिंदर लेके आएगा, 15 मिनट मुझे पता नहीं कितना आएगा पर 15 मिनट का आएगा। रैप के अंदर गाली मत गाओ। ओके भाई सॉरी भाई माफ कर दो भाई। लेकिन एक सेकंड ये वाला म्यूजिक तो पिछले बीट में भी था ना भाई। जोगिंदर भाई की पहली बेइज्जती होगी, 15 मिनट के नाम पर बस ये 4 मिनट का गूला दिया है और उसपे भी बस 3.5 मिनट ही चला और उसके बाद पिछले गाने की बीट चला दी। जोगिंदर After listening this diss, MVA and Krishna भी like और रफ्तार भी ऐसा कहाँ पर होंगे, वो ऐसा रिप्लाई देने वाले हैं, वो भाई बिल्कुल रिप्लाई नहीं देने वाले हैं, भाव भी नहीं मिलेगा जोगिंदर को। इधर उन दोनों की इतनी तगड़ी बीफ चल रही है, वो बीफ भी बीफ से बाहर चली गई थी, सबको पता था वो बीफ कितना सीरियस मैटर हो गया था, उस पर बिन काम का भाई आ रहा है यार, क्यों भाई जोगिंदर भाई थोड़े से क्लाउड के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लाउड मिल गया। और आफ्टर लिसनिंग दिस डिस मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई भी रैपर बन पाएगा यार, मैं भी अभी बन जाऊंगा, मैं बस अभी जो बोल रहा हूँ ना, देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे बस मैं बीट लगा दूंगा और ये मेरा डिस हो गया। आज मेरा बर्थडे था फिर भी मैंने जोगिंदर भाई के डिस पे सो कॉल्ड रोस्ट रिएक्शन अपना ओपिनियन जो बोलते हैं वो दे दिया और इसके पीछे मैं बीट लगा दूंगा तो ये मेरा भी रैप बन जाएगा। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड इट मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और बस यहाँ तक ही रैप था, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को चेकआउट कर सकते हो, रोस्ट वीडियोस के अलावा चैनल पे सब कुछ आता रहता है, सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ आता रहता है, तो एक बार कंटेंट को चेक करना, पसंद आए तो यू कैन सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ बर्थडे व्लॉग भी शायद से आएगा कल। बाय बाय।